नींद आ रही थी? नहीं, एक कहानी सोच रहा था। कहानी मुझे भी सुनाइए खाते खाते। तुम नहीं खाओ? ना, आपके बाद। अच्छा तो सुनो, पुराने क्षत्रिय राजाओं में रिवाज था कि शादी ब्याह में खुद ससुराल जाने की बजाय अपनी तलवार भेज दिया करते थे। ओ माँ, क्या करें, रिवाज था। अच्छा हाँ, तो इसी रस्म से राजकुमारी चंद्रावती और राजा रंजीत सिंह की शादी हो गई। किस्मत देखो कि उसी दिन अमरपुर की राजकुमारी वीना भी राजा चेत सिंह की तलवार से ब्याह दी गई। इत्तेफाक से दोनों बरातों की एक जंगल में मुलाकात हुई और तय हुआ कि वहीं डेरा डाला जाए। कुछ रात गए, डाकुओं ने मौका अच्छा देख उन पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ ऐसी भगदड़बाजी की कोई कहा और कोई कहा। खैर, बड़ी मुश्किल से दोनों बारात ने अपनी अपनी राजधानियों को पहुंची। कुछ दिनों बाद राजा चेत सिंह को अचानक ये मालूम हुआ कि दोनों दुल्हनें डाके की गड़बड़ में एक दूसरे से बदल गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं मालूम। अच्छा कमला, अगर अगर क्या? अगर मैं चेत सिंह होता और तुम चंद्रावती। ना, ऐसी अशुभ बातें मुझसे ना निकालिए। तो बताओ, ऐसी हालत में तुम क्या करती और मैं क्या करता? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। तुम्हें ये सब सोचना पड़ेगा कमला, तुम्हें ये सब सोचना पड़ेगा। मैं सोच नहीं सकती, मुझे जाने दीजिए। कमला, कमला, इस पहेली को हल करके जाओ। कमला सोचो, सोचो कमला। मुझे छोड़ दीजिए कमला, मुझे जाने दीजिए कमला। ये क्या कर रहे हो रमेश, जिसे भगवान ने तुम्हारे सुपुर्द किया, तुम इस तरह उससे मुक्ति पाना चाहते हो? जी जी जी, कमला चलो कुछ खा लो।